और अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे अच्छा तो मेरे को आपकी आवाज, आपकी शायरी अच्छी लगती है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक आपका जो फ्लो होता है बात करने का बहुत प्यारा है, थैंक यू उसके लिए। आज यू सर, थैंक यू सो मच सर। जो सब्जेक्ट में हम जा रहे हैं वो बुलसप, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बुलसप से पहले हम बुलसप किसके लिए यूज करते हैं उसके बारे में जान लें। कहते जी। हैं ना कि बिना जाने कि हम घुस गए तो मालूम नहीं चलता कि भाई किसके लिए घुसे थे। तो सबसे पहले मेरा आप सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो सब्जेक्ट है बुलसप, बुलसप से पहले हम जाएंगे, ठीक है ना, कि सिस्टम जो ये जिससे लिंक है वो सिस्टम क्या है, जिसको बोलते हैं सेक्सोलॉजी, ठीक है ना। सेक्सोलॉजी है क्या? तो कहते हैं कि इंसान का वो साइंटिफिक स्टडी, इंसान का वो साइंटिफिक स्टडी जो इंसान की सेक्सुअलिटी से रिलेटेड रखता है उसी को बोलते हैं सेक्सोलॉजी, जिसके अंदर इंसान के कौन सी चीजों के साथ इंक्लूड होता है। तो फरमाते हैं तो इंसान के सेक्चुअलिटी के ऊपर डिपेंड होता है, उसके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड होता है, उसके बिहेवियर और उसके फंक्शन। ये सेक्सोलॉजी जो है इंसान की, ओके ना, सेक्सुअल स्टडीज को, उसके इंटरेस्ट को, उसके बिहेवियर को और उसके फंक्शन को, इसके बारे में जो जानकारी देती है उसको बोलते हैं सेक्सोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे मेल फर्टिलिटी, ठीक है ना। अगर मैं मेल फर्टिलिटी की अगर मैं बात करूंगा तो जो बुलसप डिजाइन किया गया वो स्त्रियों के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए है, मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। तो इनफर्टिलिटी क्या होता है? क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो है मेल डोमिनेशन कंट्री है, और मेल डोमिनेशन कंट्री में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है हमारे लेडीज को है, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चा नहीं हुआ तो आदमी क्या करता है, या उनका फैमिली या डॉक्टर्स कोई भी हो क्या करता है, लेडीज के ऊपर दोष देता है और एक्सपेरिमेंट जो है उनके ऊपर ज्यादा होता है, तो लोगों को मालूम ही नहीं है, ठीक है ना। और डॉक्टर उसका फायदा उठाते रहता है, क्योंकि जो नॉलेज नहीं है वहां पर तो डॉक्टर फायदा उठाएगा ही, क्योंकि डॉक्टर को मालूम है कि यहाँ इंडिया में नॉलेज ही नहीं है लोगों के पास, तो उसका फायदा उठाते हैं स्पेशली जो सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है ना, जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं। तो मेल फर्टिलिटी के बारे में बताता हूँ कि मेल फर्टिलिटी हेल्थ के उस इश्यू से संबंध रखता है जहां पे हम ये देखते हैं कि हमारा बॉडी का, ठीक है ना, कहते हैं कि फीमेल पार्टनर के साथ, ठीक है ना, फीमेल पार्टनर के साथ जब चांस दिया जाता है उसको प्रेग्नेंट करने के लिए, ठीक है ना, उसमें वो ठीक है ना सक्सेस नहीं हो पाता है तो उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अगर सक्सेस हो जाता है तो उसको, ठीक है ना, गुड न्यूज बोला जाता है। तो मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, लोअर चांस, ठीक है ना, लोअर चांस मतलब बच्चा नहीं पैदा करने लायक, वो काबिलियत नहीं होती है, ठीक है ना, तब उसको बोला जाता है कि मेल इनफर्टिलिटी। तो उसमें कहा जाता है कि उसके स्पर्म काउंट्स उतने बराबर ना हो, हेल्दी ना हो, ठीक है ना, या जेनेटिक इश्यू हो सकता है। जेनेटिक इश्यू मतलब क्या है, मतलब जो जनरेशन से जो कमी चल रही है, कमी पेशी चल रही है उनकी फैमिली से, उसका भी हो सकता है। और कहते हैं कि ब्लॉकेज हो सकता है जेनिटल ट्रैक के अंदर, वो ट्रैक जहां से स्पर्म रिलीज होता है वहां से हो सकता है कि कोई चीज का ब्लॉकेज हो, जिसकी वजह से इश्यू हो सकता है, इलनेस हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है बॉडी के अंदर, कोई भी बीमारी उसका असर जो है बॉडी के सेक्सुअलिटी के ऊपर होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो फर्टाइल नहीं कर पाता है, और कुछ ना कुछ इंजुरीज हो सकता है एक्सीडेंट के थ्रू, या कोई ना कोई रीजन से हो सकता है, या उसका लाइफस्टाइल चॉइस, उसका लाइफस्टाइल चॉइस की वजह से भी जो है उसको ये इश्यू आने के चांसेस होते हैं। इसको बोलते हैं मेल इनफर्टिलिटी। अगर हम काजेस की अगर हम बात करेंगे तो हो सकता है कि एक्सेस हीट, ठीक है ना, जो ड्राइवर होते हैं, ठीक है ना, वो, ठीक है, इंजन के पास रहते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में सबसे ज्यादा हीट हो जाता है, ठीक है ना, जो कोल माइंस में काम करते हैं, और ठीक है ना, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होते हैं जहां पे बर्नर्स होते हैं, बर्नर्स के साथ रह के काम करते हैं, बॉडी में एक्सेस हीट हो जाता है, उसका भी रीजन होता है। और कुछ वेल्डर्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ फायर फाइटर्स होते हैं, ठीक है ना, या वर्किंग इन हॉट कंडीशंस जैसे सऊदी अरब में रहते हैं, ठीक
ठीक है ना, ऐसे कंडीशन में। हाँ, और होता है टाइट क्लोथिंग, जो लोग ना बहुत टाइट जीन्स पहनते हैं, ठीक है ना। जीन्स कपड़े कैसे लूज पहनना चाहिए, जैसे पुराने जमाने में धोती पहना करते थे, लूज लुंगी पहनते थे, ठीक है ना, कपड़े ऐसे पहनते थे जहां पे लूज रहता था। अब ऐसा फैशन आ गया कि वहां पे हम टाइट पहनते, एकदम टाइट, स्किन टाइट, तो उसका भी असर होता है हमारे बॉडी के अंदर कि हम जो है फर्टाइल करने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाए, और कुछ ड्रग्स के वजह से भी होता है। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जहां पर हम यूज करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स है, बहुत लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के सलाह तो लेते नहीं है लेकिन एंटीबायोटिक्स जो है जबरदस्ती खाते रहते हैं, उसका भी असर होता है कि वो इनफर्टिलिटी हो जाए। स्टेराइड अगर ज्यादा लेते हैं, चाहे खाने के हिसाब से हो या किसी चीज के हिसाब से हो, उसका भी असर जो है इनफर्टिलिटी होता है। अल्कोहल जो सबसे ज्यादा पीते हैं, उसका भी असर जो है होता है, और स्मोकर्स जो होते हैं, ठीक है ना, उनका भी असर जो होता है। दूसरा क्या, स्ट्रेस, अगर हम स्ट्रेस लेवल में चले जाते हैं, ठीक है ना, मतलब क्या है, हमारा एनर्जी से ज्यादा हम सोचते, दिमाग को खर्च करते हैं, स्ट्रेन करते हैं ओवर, तो वहां से भी होता है। ओवर एक्सरसाइज जो करते हैं, ठीक है ना, बॉडी में जितना एनर्जी है उसको यूटिलाइज नहीं करते, उससे ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उसका भी असर होता है। कोई क्रॉनिक डिजीज हो सकता है, डाइट्री डिफिशियंसी हो सकती है, ठीक है ना। और हमारा जो होता है एनलार्ज वर्कोसिल जो बोलते हैं, मतलब टेस्टिकल्स जो होते हैं बढ़ जाते हैं, या उसके शेप बदल जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसके वजह से भी होता है। और हमारे बॉडी के अंदर ओबेसिटी की वजह से भी होता है, मोटापे के वजह से भी होता है। ये सब रीजन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जहाँ पे हम अपने पार्टनर को प्रेग्नेंट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे डिफरेंशियस ऑफ सेमेन एंड सेमेन क्वालिटी, ठीक है ना, जो डॉक्टर एनालिसिस करते हैं ना, सेमेन एनालिसिस, सेमेन क्वालिटी जो चेक करता है, उसके डिफरेंसेस, कितने तरह के डिफरेंसेस, कितने तरह के हैं, अगर हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक तो होता है नंबर ऑफ टोटल स्पर्म सेल्स, नंबर ऑफ टोटल स्पर्म सेल्स अगर हेल्दी है या नहीं है, बैलेंस है या नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पर्म मोर्टेलिटी, ओके ना, और फॉरवर्ड टू प्रोग्रेशन, ठीक है ना। एक तो स्पर्म मोर्टेलिटी है, दूसरा है फॉरवर्ड टू प्रोग्रेशन, मतलब जो है कि हमारे बॉडी को फर्टाइल करने लायक है या नहीं है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके बाद लिया जाता है कि परसेंट ऑफ स्पर्म विथ नॉर्मल, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी मतलब हमारा जो स्पर्म है परसेंटेज फर्टाइल करने के लिए, जिसमें क्योंकि कभी कभी डेड स्पर्म्स भी बहुत होते हैं, ठीक है ना। तो स्पर्म तो बैलेंस रहता है, बोलते कि भाई मेरे को तो अच्छा है, भाई स्पर्म अच्छा है, लेकिन कितने स्पर्म एक्टिव है, कितने स्पर्म डेड है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बॉडी को फर्टाइल करने के लिए। ये चीज होते हैं हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंशिएट, अगर हम बात करेंगे क्या हम इस एनालिसिस के अंदर परफेक्ट है या नहीं है। अब और एक चीज में आएंगे जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ओलिजी स्पर्मा, ठीक है ना। और ये ओलिजी स्पर्मा क्या है, जिसको बोलते हैं डिक्रीज नंबर ऑफ स्पर्मोटोजी, ठीक है ना, इन स्पर्म, डिक्रीज नंबर ऑफ, ठीक है ना, स्पर्मोटोजा इन सीमेन, हमारे सीमेन एनालिसिस के अंदर अगर स्पर्म का डिक्रीज, मतलब वही मैंने अभी बताया था, ठीक है ना। उसके बाद आता है एस्पर्मिया, इसका मतलब होता है कंप्लीट लैक ऑफ सीमेन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एस्पर्मिया, ठीक है ना, ये भी रीजन है। उसके बाद बोलते हैं हाइपोस्पर्मिया, जिसके अंदर हम बोलते हैं रिड्यूस सेमिनल वैल्यू बोला जाता है, जिसको बोला जाता है हाइपोस्पर्मिया, मतलब रिड्यूस सेमिनल वैल्यूम। उसके बाद होता है एजोस्पर्मिया, जिसको बोलते हैं एब्सेंस ऑफ स्पर्म सेल इन सेमन, ठीक है ना, हमारे सेमन जो टेस्ट किया जाता है उसके अंदर स्पर्म सेल्स कितने हैं, कितने एब्सेंस है, उसको जो टेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं और एजोस्पर्मिया। उसके बाद आता है, ठीक है ना, टेरेटोस्पर्मिया, इसका मतलब होता है इंक्रीज इन स्पर्म विथ अबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी बोला जाता है, मतलब क्या है, इंक्रीज इन स्पर्म विथ अबनॉर्मल, मतलब जैसे मैंने बताया कि स्पर्म तो अच्छा है लेकिन कितने कितने एक्टिव हैं और कितने डेड हैं, ठीक है ना। अगर डेड ज्यादा है और एक्टिव कम है तो होने का चांसेस नहीं होता है, लेकिन स्पर्म तो नॉर्मल ही दिखता है, बड़ा हुआ दिखता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम टेस्ट करते हैं। उसके बाद आता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं नियोजूस्पर्मिया, ठीक है ना, नियोजूस्पर्मिया, जिसको बोलते हैं आर
all sperms in the ejaculate are dead. ठीक है ना, all sperms, ठीक है ना, ejaculate are dead. तो हम बोलते हैं इरेक्जुलेशन जो है सही नहीं है. तो क्यों नहीं सही है? क्योंकि पूरे के पूरे स्पर्म जो है डेड है, जिंदा नहीं है, मरे हुए हैं. उसके बाद आता है लीकोस्पर्मिया, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि हमारे सिमन के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा जो है ज्यादा है, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है हमारे स्पर्म को मार देता है, हमारा बॉडी का एंटीबॉडीज जो है हमारे स्पर्म को मार देता है. तो इसके वजह से क्या होता है, हमारा स्पर्म जो है फॉर्म नहीं हो पाता, जिसको बोलते हैं, ठीक है, लियोस्पर्मिया. उसके बाद आता है नॉर्मोजोस्पर्मिया, मतलब जिसमें सेमेन एनालिसिस में शो नॉर्मल तो करता है लेकिन इरेजुकुलेट, ठीक है ना, पैरामीटर्स जो होते हैं वो बताया जाता है कि वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना, वो प्रॉपर नहीं है और वो पैरामीटर्स जो है कट ऑफ है या डैमेज है, तो उसको बोला जाता है नॉर्मोस्पर्मिया. उसके बाद आता है मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना, जिसके अंदर स्टडी किया जाता है कि उसका साइज, शेप और स्ट्रक्चरल पार्ट की स्टडी की जाती है, जिसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना. ये स्टडी होती है हमारा स्पर्म के अंदर का साइज, शेप और स्ट्रक्चर के पार्ट को. तो ये सब रीजन है जो आपको मैंने बताया स्पर्म का, ठीक है ना. और मैक्सिमम जो होता है फर्टाइल किसी पार्टनर को करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका मेल. तो अगर आदमी में अगर ताकत नहीं है तो औरत क्या करेगी? औरत तो घोंसला है जो बच्चे को पैदा करती है, जैसे चिड़िया का घोंसला जो है अंडा रखती है, वैसे ही जो है अंडा उसके अंदर रहता है. तो ताकत स्पर्म में होना चाहिए, और नहीं होने की वजह से हम क्या करते हैं, दोष जो है औरत को दे देते हैं. ये जो है हमारा सबसे बड़ा फॉल्ट है इंडिया के अंदर. तो 20% की बात नहीं करूंगा मैं, 5% इश्यूज जो है औरत के पास रहता है, 95% इश्यू जो है मेल के पास ही रहता है. तो मेल अगर परफेक्ट है तो मैं आपको बताता हूँ कि पुराने जमाने में कहते थे कि अगर आदमी का स्पर्म अगर लीक होके गिर गया तो जमीन पे जब टपकता है तो एक स्टोन जो है, कंकर जो है छोड़ दिया जाए तो कैसे साउंड आता है, वैसा साउंड आने से कहते हैं कि उसका स्पर्म जो है सबसे परफेक्ट है. और जितना स्ट्रांग साउंड आता है उतना स्ट्रांग औलाद पैदा होती है बोल के उस जमाने के शास्त्रवर्ता, ठीक है ना, जो आचार्य थे वो लोग बताया करते थे. तो अब बताता हूं कि आज का जो दौर है और उस जमाने का दौर का अगर कंपेयर करेंगे तो स्पर्म तो टपकता नहीं है, लीक होता है. तो अब ऐसे लोग जो है बच्चे को पैदा नहीं कर पाते, ना हेल्दी बच्चे को पैदा कर पाते हैं, ना स्ट्रांग और स्ट्रेंथ बच्चे को पैदा कर पाते हैं भीम के जैसा. तो दोष जो है औरत को लगा दिया जाता है कि भाई तूने आपने जो है ऐसा हरकत किया, ये है वो है, बच्चा सही नहीं हुआ है. हाँ चलो ठीक है, इश्यूज होते हैं औरत के अंदर, ठीक है ना, वो इश्यूज होते हैं कि जब बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है वो होता है इन्फेक्शन, ठीक है ना, और दूसरा होता है उनके बोन की कैपेसिटी और उनका मिनरल्स सही नहीं है, ठीक है ना, और कुछ छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जो प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खाती है, प्रॉपर पानी नहीं पीती है और टेंशन ज्यादा होता है. ये सब चीज को अगर रिलीज कर दिया जाए और परफेक्ट कर दिया जाए तो बहुत ही हेल्थी और स्ट्रांग बच्चे को जो है पैदा कर सकती है. ये सब चीजें जो है, ठीक है ना, ये औरत के लिए. तो औरत के लिए इसलिए आमको बैंक बहुत बेहतर बनाया गया डिजाइन और ड्रमसअप जो इनके फर्टाइल करने के लिए बहुत काम आता है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल है डॉक्टर चल्ला ने डिजाइन किया वो है बुलसअप, ठीक है ना, सेट यूर सोल ऑन फायर. बुलसअप के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स लिया गया है सैचेस के अंदर वो 22 इंग्रेडिएंट्स है और उसके अंदर जो कैप्सूल है वो 11 इंग्रेडिएंट का है. तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सैचेस, ठीक है ना, जो उसके लिए इस्तेमाल किया गया. और वो सैचेस के अंदर एक एक इंग्रेडिएंट जो है वो क्या करता है. तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है खजूर, ठीक है ना, खजूर. आपको बताता हूं मैं, खजूर सबसे इंपॉर्टेंट है और खजूर में कितनी ताकत है कोई जानता ही नहीं है. तो कहते हैं कि खजूर को लिया गया है जो 2500 mg जो इसके अंदर लिया गया, डेट जो बोलते हैं ना, डेट पल्म, खजूर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. तो कहते हैं कि खजूर करता क्या है, खजूर जो है हमारे सेक्स इनहेंसर के जैसा काम करता है, सेक्सुअल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और क्यूर करता है मेल इनफर्टिलिटी, क्यूर करता है, ठीक है ना, वर्ड जो बोल रहा हूं मैं याद रखना, क्यूर करता है मेल इनफर्टिलिटी को, ट्रीटमेंट करता है प्री रीर ओके ना एजुकेशन को और इम्पोर्टेंसी को, ट्रीट करता है
ठीक है ना, प्रो इरेग्यूल, ठीक है ना, प्रो इरेग्यूलेशंस और इम्पोटेंसी, उसके बाद डेवलप करता है स्पर्म सेल को और मेल हार्मोन्स को, मेल हार्मोन्स को भी और डेवलप करता है स्पर्म सेल्स को, उसकी मोर्टेलिटी को डेवलप करता है और बूस्ट करता है उसके एनर्जी लेवल को, इम्प्रूव करता है मूड को, क्योंकि मूड भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और लोअर कोलेस्ट्रॉल, मतलब उसके कोलेस्ट्रॉल जहां पर हाई होता है उसको भी ये बैलेंस करता है, क्योंकि प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, और कहते हैं कि रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। उसके बाद उसके अंदर जो जो उसकी केमिकल लेवल्स होते हैं जो बताया जाता है, कहते हैं कि इसके अंदर कैरोटीनाइड होता है जो हार्ट हेल्थ और आई डिसऑर्डर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है ना, जो केमिकल कंपोनेंट जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कैरोटीनाइड, ठीक है ना। उसके बाद आता है फ्लेवोनोइड, ठीक है, ये मल्टीपल बेनिफिट्स करते हैं, रिस्क ऑफ डायबिटीज, एल्जीमर, ठीक है ना, भूलने की बीमारी, और ट्रीट करते हैं कुछ तरह के कैंसर के ऊपर भी। तो बहुत अच्छा है ये हमारा फ्रूट, जो इसका इस्तेमाल करना चाहिए हमेशा। उसके बाद इसके अंदर, ठीक है ना, उसके बाद इसके अंदर ऐड किया गया है, इसको बोलते हैं, ठीक है ना, फेनोलिक एसिड, जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है और हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क, ठीक है ना, सम कैंसर्स रिड्यूस करता है कुछ तरह के कैंसर के ऊपर, हार्ट रिस्क के ऊपर, और उसके बाद बोन को स्ट्रेंथ करता है और इम्प्रूव करता है स्किन डिसऑर्डर के अंदर। तो सोचो कितना ब्यूटीफुल चीज है। उसके बाद इसके अंदर दूसरा, ठीक है ना, लिया गया है फल फ्रूट, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं वैक्स गार्ड, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पेटा, कद्दू, एश, पम्पकिन, ये लिया गया है इसके अंदर 5000 mg, कितना लिया गया है 5000 mg इसके अंदर लिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। कहते हैं कि यूज इन ओके ना मैन, आदमी के इरेक्टाइल डिसफंक्शन को डेवलप करता है, ठीक है ना, उसको उसमें यूज होता है, स्पर्म काउंट को ये डेवलप करता है, वेट गेन को, मतलब वेट के कुछ लोग बहुत दुबले होते हैं हद से ज्यादा, उसको वेट गेन करने में काम आता है, जो हद से ज्यादा मोटे होते हैं उसको उतार भी देता है, और कॉन्स्टिपेशन जैसे इशू को कंट्रोल करता है, सिस्ट जैसे इशू को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, जैसे किडनीज के ऊपर सिस्ट या हमारे एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर सिस्ट फॉर्म हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को भी निकाल देता है, स्किन को ग्लो करता है, इंक्रीज करता है सीमेन क्वालिटी, सीमेन क्वालिटी को इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है स्टेमिना को और एनर्जी को, क्योंकि ये बहुत दो इंपॉर्टेंट चीज है, इम्प्रूव स्टेमिना एंड एनर्जी, और कहते हैं कि इजी टू ओके ना स्टूल एंड यूरिन, मतलब बॉडी में जो वेस्ट होते हैं उसको आसानी से बाहर निकाल फेंक देता है, जो हमारा स्टूल और यूरिन से जो हम सफर होते हैं उसको भी सेट राइट करता है। उसके बाद इसके अंदर लिया गया है ग्रेप सीड्स, ग्रेप फ्रूट का एक्स्ट्रा जो 1200 mg लिया गया है, तो कहते हैं कि ये इम्प्रूव करता है, ठीक है ना, किसको इम्प्रूव करता है, अगर जनरली देखा गया तो लेडीज को भी बहुत फायदा चीज है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटी है जो आरोप नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन आपको फिर भी बता दूंगा, ये इम्प्रूव करता है सीरम FSH, LH और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, FSH, ठीक है ना, और LH और टेस्टोस्टेरोन लेवल को, फिर इम्प्रूव करता है सर्कुलेशन, नर्व डैमेज को, और बोन को स्ट्रेंथ करता है और रिड्यूस करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में। तो अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर रिड्यूस होता है, बोन के अंदर हड्डी के अंदर ताकत आती है, और नर्व से रिलेटेड कोई डैमेज होता है उसको सेट करता है, सर्कुलेशन को बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को स्ट्रॉन्ग करता है, तो सोचिए कि इसका कितना फायदा है। उसके बाद आता है हमारा वेतिन सेमीफेरा, जिसको अश्वगंधा कहते हैं, 750 mg जो है इसके अंदर ऐड किया गया है। कहते हैं कि ये हमारा इंक्रीज करता है LH, जिसको बोलते हैं ओके ना ल्यूटेनिंग हार्मोन्स, ठीक है ना, LH जो होता है ल्यूटेनिंग हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। उसके बाद आता है हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल, और बैलेंस करता है सेक्सुअल हार्मोन्स को, ठीक है ना, बैलेंस करता है सेक्सुअल हार्मोन्स को किसके अंदर, आदमी के अंदर, और इंक्रीज करता है एनर्जी लेवल को, और रिलीव करता है स्ट्रेस को, और चेंज करता है मूड को, जहां पे मूड नहीं बना होता उस मूड बनाने लायक बना देता है। ये हो गया हमारा अश्वगंधा का फायदा जो सेक्सुअलिटी में काम आता है, इनफर्टिलिटी में। उसके बाद इसके अंदर ऐड किया गया गोकुर, जिसको गोक्षरा कहते हैं, गोकुर का ऐड किया गया है। कहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेक्सुअल डिजायर होता है, सेक्सुअल डिजायर, भाई शादी तो कर लिया है लेकिन सेक्सुअल डिजायर नहीं हुआ तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा,
कहते हैं कि 79% जो है सेक्सुअल डिजायर को डेवलप करता है, जिसको बोलते हैं गोकुर और गोक्षरा, ठीक है ना। और कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शंस को बनाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, ठीक है ना, मतलब डिसफंक्शंस को फंक्शन करने लायक बना देता है। और इनफर्टिलिटी इन मेन, ठीक है ना, उसको फर्टाइल करने की ताकत देता है। और साथ ही साथ ब्रिजेलियन रिसर्चर्स कहते हैं कि ये बेस्ट है सेक्सुअल डिसफंक्शन के अंदर, ब्राजीलियन, ठीक है ना, जो ब्राजील के जो रहते हैं वो लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और उसको खाते रहते हैं। तो वो लोग बताया है कि वो लोग सेक्सुअल डिसफंक्शन में सबसे पावरफुल अगर कोई जड़ी बूटी है तो वो है गोकुर और गोक्षरा। उसके बाद आता है हमारा शतावरी, इसके अंदर शतावरी को एक्सट्रैक्ट किया गया है, ठीक है ना, शतावरी, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं एस्परगुलस, ओके ना, रेसिमोसी। इसलिए मैं नाम भी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि समझ में आना चाहिए कि भाई शतावरी किसको कहते हैं, ठीक है ना। और ये ट्रीट करता है सेक्सुअल डिसफंक्शन इन मेल और रिच इन पोटेशियम और फोलिक एसिड, ठीक है ना। शतावरी के अंदर पोटेशियम और फोलिक एसिड सबसे ज्यादा होता है, इसलिए डिसफंक्शन जो होता है मेल के अंदर उसको सेट राइट करता है, ठीक है ना। और कहते हैं कि हिस्टेमिन, प्रोडक्शन ऑफ हिस्टेमिन, ठीक है ना, उसको सही करता है, साथ ही साथ इम्प्रूव करता है टेस्टोस्टेरोन लेवल को। और इसके अंदर रहता है विटामिन ए, B1, B2, C एंड E, साथ ही साथ है कैल्शियम और मैग्नीशियम और फोलिक एसिड, ठीक है ना, ये सब चीज जो है इसके अंदर पाया जाता है। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि इसके रूट जो जड़ होते हैं वे अल्कलाइड्स, ठीक है ना, अल्कलाइड्स, और रिड्यूस करता है स्ट्रेस को और काम करता है आपके दिमाग को, क्योंकि दिमाग ठंडा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, तो दिमाग को ठंडा और शांत करता है और इंक्रीज करता है ब्लड सर्कुलेशन को और मेंटली हेल्थ को भी बनाता है। अगर इंसान का दिमाग, अगर दिमाग काबू में नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो उसको कहाँ से फायदा होगा। तो ये था हमारा छठा। और सातवां जो है वो लिया गया है प्याज, ओनियन, ठीक है ना, जो 750 mg लिया गया है। तो वो कौन सा प्याज लिया गया है भाई, जो बल्ब, ठीक है ना, छोटे छोटे जो प्याज आते हैं, बहुत छोटे प्याज आते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े मोटे मोटे प्याज नहीं, बहुत छोटे छोटे, जिसको सांबर का प्याज बोला जाता है, सांबर का प्याज बहुत छोटे छोटे होते हैं, साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा दिखने को मिलता है। कहते हैं ये हमारे लिबिडो, ठीक है ना, लिबिडो को इंक्रीज करता है, स्ट्रेंथ करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और एंटी ऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के अंदर होता है, रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को, हार्ट डिसीज के रिस्क से बचाता है, और रिड्यूस करता हाई ब्लड प्रेशर को, ठीक है ना। किसी का अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट खाएगा तो उसके बीपी भी कंट्रोल हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट्स को रिमूव कर देता है, कहीं पे अगर क्लॉटिंग है उसको भी रिमूव करता है, कहीं भी कौन से भी सिस्टम में रहने दो। साथ ही साथ हाई सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल में बहुत फायदेमंद है, मतलब हाई सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल, उसके बाद इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ये फायदेमंद करता है, जहाँ पे डिसफंक्शन है, फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, उसको भी ये बहुत ही स्ट्रांग कर देता है। ये हो गया हमारा वो प्याज जो इसके अंदर ऐड किया गया। उसके बाद आता है इसके अंदर, ठीक है ना, पुरीरिया ट्यूबोसिया, ठीक है ना, इसको लिया गया है टैबरूट, जिसको बताया जाता है, ठीक है ना, विदारी खंड, ठीक है ना, वदरी खंड जिसको बोलते हैं, या खुदूजू बोला जाता है, खुदूजू बोला जाता है, वदरी खंड भी कहते हैं। ये इम्यूनो बूस्टर है, और उसके बाद ये, ठीक है ना, री टेस्टोटिव बोला जाता है, जहाँ पे हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है, ठीक है ना, उसको रीफॉर्म करने की ताकत रखता है, इंक्रीज करता है दोनों जगह पर। एक है क्वालिटी और एक होता है क्वांटिटी ऑफ सेमन, आदमी के अंदर क्वांटिटी और क्वालिटी को डेवलप करता है, और साथ ही साथ इंक्रीज करता है स्पर्मोटोजेनिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना, स्पर्मोटोजेनिक जो मैंने अभी बता रहा था उसकी प्रॉपर्टी को डेवलप करता है, प्रिवेंट करता है सेल डैमेज से, ठीक है ना, जहां पर लोग ड्रिंक ज्यादा करते हैं, बहुत हैवी ड्रिंक लेने वाले होते हैं, उनके स्पर्म सेल को जो डैमेज होती है उससे बचाता है। और साथ ही साथ कोरोनरी हार्ट डिसीज में फायदेमंद होता है, कोरोनरी हार्ट डिसीज, ठीक है ना, बहुत ही फायदेमंद है उस जगह पर। हेल्प इन किडनी एंड डायबिटिक डिसीज,
डायबिटिक में भी फायदा मंद करता है और किडनी के इश्यू में भी ये फायदा मंद होता है। अब नाइन्थ लिया गया है जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, सेरुलोगो आर्ची ओलिडीज कहा जाता है, जिसको बोला जाता है काली मुसली, ब्लैक मुसली, ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और कहते हैं कि ठीक है ना, हेल्प टू बॉडी एडॉप्ट, हेल्प टू बॉडी एडॉप्ट किसको बोलते हैं, ठीक है ना, एडॉप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज, एडॉप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, मतलब हेल्प टू बॉडी एडॉप्ट, मतलब किसी भी चीज को एडॉप्ट करने की ताकत देती है। इसके अंदर बोलते हैं इम्यूनोस्टिमुलेंट, साथ ही साथ इंक्रीज पोटेंसी और सेमिनल वीकनेस को ये सही करता है, क्यूर करता है जनरल वीकनेस को, साथ ही साथ यूजफुल इन सेक्सुअल डिसफंक्शन और इंक्रीज इन स्पर्म काउंट, ठीक है ना, इंक्रीज इन स्पर्म काउंट, ये हो गया हमारे काली मुसली का फायदा। उसके बाद इसके अंदर लिया गया है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं पुरुनिस डिलोकिस, जिसको बोलते हैं अलमंड बादाम, ठीक है ना, कहते हैं कि ये बादाम जो है रोज फैमिली का है, रोज फैमिली से संबंध रखता है झाड़, ठीक है ना, रोज झाड़ से संबंध रखने वाला ट्री को बादाम का पेड़ कहा जाता है। तो कहते हैं कि बादाम से फायदा क्या होता है, बादाम इरेक्टाइल डिसफंक्शंस को कंट्रोल करता है, सेटिस्फैक्ट्री सेक्सुअल, ठीक है ना, इंटरकोर्स को लॉन्ग टर्म में लेके जाने की ताकत रखता है बादाम। इसलिए बोलते हैं ना कि बादाम भिगा के खाया करो, क्या बोलो, सेटिस्फैक्ट्री सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर लॉन्ग टर्म, ये होता है बादाम का फायदा। उसके बाद होता है हेल्प इन डायबिटीज एंड किडनीज और डाइस्यू डिजीज, किसमें फायदा करता है, हेल्प इन डायबिटीज किडनी डिजीज एंड डाइस्यू डिजीज, इसमें फायदा मंद करता है, रिलीव करता है स्ट्रेस में और मेंटेन करता है ब्लड हेल्थ को, खून के सिस्टम को, खून को, ठीक है ना, मतलब खून के ब्लड क्या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स उसको बहुत हेल्दी बना के रखता है, क्योंकि ये प्रोटीन ही है, प्रोटीन कम फैट, मैंने बताया था ना एमिनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स, ये ब्लड को हेल्दी रखने के लिए काम आता है, हमने इसको छोड़ के क्या कर दिया मालूम है, कार्बोहाइड्रेट्स खा के बीमारी को ला लिए, गलती किसका है, हाफ नॉलेज का है, ठीक है ना, गलती उसका है जो पुराना नॉलेज पढ़ाई किए, गलती उसका जो सिखाया गया, गलती इसका है कि हमने सीखा नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद इसके अंदर लिया गया है जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, एनाकार्डियम, ओके ना, ऑक्सीडेंटल जिसको बोला जाता है, 300 mg लिया गया, कैस्यू या काजू, काजू का एक्स्ट्रैक्ट लिया गया है, तो इसलिए बोलते हैं ना भाई हम काजू तो खाते नहीं है, कैश्यू खाते नहीं है। तो कहते हैं कि इम्प्रूविंग, ठीक है ना, डोपामाइन, ओके ना, डोपामाइन अर्जिक, डोपामाइन अर्जिक बोला जाता है, कहते हैं कि ये न्यूरोट्रांसमीटर है, डोपामाइन अर्जिक मतलब न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिविटी, ठीक है ना, जो ब्रेन के अंदर होता है, इसको ये डेवलप करता है हमारे किसको, काजू को, काजू हम खाते नहीं है क्योंकि लोगों को सिखाया गया भाई काजू खाएंगे बहुत मोटे हो जाएंगे, इसके अंदर फैट ज्यादा रहता है, ठीक है ना, बच्ची मोटी हो रही है और मोटी हो जाएगी, कितना रॉन्ग सिखाया जाता है, आदमी को भी खाने नहीं देते, बच्चों खाने नहीं देते, उल्टा सब्जेक्ट सिखाया गया है। क्या करता है, हमारे बॉडी के ब्रेन न्यूरो ट्रांसमीटर को एक्टिवेट करने की ताकत है इसके अंदर, और टेस्टिकुलर फंक्शन को एक्टिवेट करता है, एक्सलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई के एंड B6 इसमें ज्यादा पाया जाता है, इसके अंदर फास्फोरस है, जिंक है, मैग्नीशियम है, और इसके बेनिफिशियल जो कहा जाता है कि जो हेल्थ को जो बना के रखता है वो काजू के सिवा किसी में नहीं रहता है, क्योंकि इतने मिनरल्स होते हैं उसके अंदर, पोटेंसी को डेवलप करता है बॉडी के, और एंटी डायबिटिक के रूप में काम करता है, एंटी डायबिटिक हार्ट, ठीक है ना, डिजीज के ऊपर काम करता है, कैंसर के ऊपर काम करता है, और हमारे बॉडी के अंदर फीवर को रिड्यूस करने की ताकत रखता है, जिसको बोलते हैं काजू कैश्यू। अब इसके बाद आता है हमारा इसके अंदर, ठीक है ना, पिस्टिका वरा, जिसको बोलते हैं 300 mg लिया गया, पिस्ता, पिस्ता का भी ऐड किया गया इसके अंदर, कहते हैं कि इम्प्रूव इरेक्टाइल फंक्शन, ठीक है ना, हमारे इरेक्टाइल फंक्शन को इम्प्रूव करता है, और सीरम लिपिड को डेवलप करता है, मस्कुलर रिलैक्सेशन, मांसपेशी को रिलैक्स करता है, जहां पे हमारा मांसपेशी टाइट होके अपने तकलीफ को जाहिर करते हैं और हम बोलते हैं कि भाई क्रैम्प्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो
सोचो कि पिस्ता का कितना फायदा है, डायबिटीज में फायदा करता है, हाइपरटेंशन को खत्म करता है, बैलेंस करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज में फायदामंद होता है, और टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल को ये मेंटेन करता है, और हेल्प इन रेनल फेल्यूर, जिसकी किडनी खराब हो चुकी है, ठीक है ना, जिसका रेनल खराब हो चुका है, फिल्ट्रेशन खराब हो चुकी है, उस पे भी पिस्ता फायदा करता है। ये हो गया हमारा 12वां, ठीक है ना, इंग्रेडिएंट जो ऐड किया गया हमारे बुलसप के अंदर। अब आता है 13वां, जिसको बोलते हैं सेंटिला, ठीक है ना, एसिटिका। इसको ये होल प्लांट को लिया गया, पूरा का पूरा प्लांट को लिया गया, जिसको बोलते हैं गोटू कोला। गोटू कोला मतलब ब्रह्मी, ठीक है ना, ब्रह्मी को इसको लिया गया, पूरा प्लांट को, जो कहते हैं कि मेल फर्टिलिटी में सबसे ज्यादा काम करता है, मेल फर्टिलिटी में, और क्रॉन, ठीक है ना, क्रॉनिक पोस्ट्रो, ठीक है ना, पोस्ट्राइटिस, पोस्ट्राइट, ठीक है ना, पोस्ट्राइटिस जिसको बोलते हैं, क्रॉनिक पोस्ट्राइटिस को खत्म करता है ब्रह्मी। उसके बाद इनहेंसिंग करता है इरेक्टाइल फंक्शन को, साथ ही साथ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में फायदा करता है, फ्लू, किसी भी तरह का फ्लू अटैक होता है तो उसको नलिफाई करता है ब्रह्मी, टीबी को निकाल देता है, कोल्ड को निकाल देता है, डिप्रेशन को निकाल देता है, ब्लड क्लॉट्स को निकाल देता है बॉडी के अंदर से, हेपेटाइटिस के अंदर फायदा करता है, और टॉन्सिलाइटिस में काम करता है, और लिवर डिजीज में फायदा करता है, जिसको बोलते हैं ब्रह्मी और गोटू कोला कहते हैं। देखो ऐसे जड़ी बूटियां हैं जहां पे हम उसका फायदा उठाते ही नहीं है, तो गलती किसका है, हमारा है, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। और कुछ ऐसे लोग हैं डॉक्टर्स एलोपैथी के, वो ये बोलते हैं कि भाई लंबे समय तक खाएंगे ना तो वो जो है ना मेटल में बदल जाएगा। मैंने ऐसे लोगों से भी सुना हूं कि भाई मेटल में बदल जाता। मैंने बोला कि मैं रोज आयुर्वेदिक खाऊंगा और तपस्या करूंगा कि ऊपर वाले, मैंने सुना हूं कि एलोपैथी डॉक्टर्स कहते हैं कि लंबे समय तक जो है आयुर्वेदिक खाने से मेटल में बदल जाता है। अगर आपको बदलना चाहते हैं हमारे बॉडी में मेटल में, तो मैं चाहता हूं कि आप जो है उसको गोल्ड मेटल में बदल दो, सही कि नहीं? तो ख्वाहिश तो ऊपर वाला करेगा ना भाई, जो जड़ी बूटी अंदर गई और मेटल में बदल गया। तो ये उसको बोलते हैं हाफ नॉलेज। तो हाफ स्टडी करे होंगे, हाफ नॉलेज वाले हाफ सब्जेक्ट देते रहते लोगों को कि जो है लॉन्ग टर्म में अगर हम जड़ी बूटी खाते तो मेटल में बदल जाता है। भाई कितना अच्छा सब्जेक्ट बोले ना, मेटल में बदल जाता है। मेटल में बदलेंगे तो हम ऊपर वाले से पूछेंगे कि गोल्ड में बदल दो। तो ये है हमारा हाफ नॉलेज, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले। तो ये था हमारा ब्रह्मी। और चौथा जो है उसको बोला जाता है मोरिंगा ऑलिफेरिया, इस ड्रमस्टिक, उसको भी लिया गया है। कहते हैं इम्प्रूव इन टेस्टोस्टेरोन लेवल, हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल वेटालिटी, लिबिडो, ठीक है ना, और ट्रीट करता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर, रिमूव करता है स्ट्रेस के अंदर, स्पर्म मोर्टेलिटी को बढ़ाता है, और एनलार्जमेंट पोस्ट्रेट को कंट्रोल करता है, और इनहेंस करता है ब्लड फ्लो को, और हमारे बॉडी के अंदर अल्कलिनिटी को मेंटेन करता है। ये हो गया हमारा मोरिंगा ऑलिफेरिया का पावर और ताकत। उसके बाद इसके अंदर मोरिंगा ऑलिफेरिया का फ्रूट को एक्सट्रैक्ट किया गया, फ्रूट 250 mg, ठीक है ना। कहते हैं इंप्रूव मेल इन सेक्सुअल फंक्शन, रिमूव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, बूस्ट फर्टिलिटी, और स्ट्रॉन्ग लॉन्गर इरेक्चुलेशन, लंबे समय तक, ठीक है ना, हमारे मूड को और, ठीक है ना, फंक्शन को जिंदा रखने की ताकत रखता है मोरिंगा का फ्रूट। ये हो गया हमारा 15वां जड़ी बूटी जो ऐड किया गया। उसके बाद लिया गया है, ठीक है ना, लिया है मायरिस्टिका, ओके ना, फ्रैगम, जिसको बोला जाता है जायफल, ठीक है ना, जायफल बोला जाता है, उसको लिया गया है, ठीक है ना, जिसको तेलुगु में बोला जाता है जाजिकाया, तेलुगु में बोलते हैं जाजिकाया, जायफल को बोला जाता है, उसको भी लिया गया है, ठीक है ना। इसके अंदर कहते हैं कि ये मैनेजमेंट करता है हमारे बॉडी के अंदर, मैनेजमेंट करता है मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर को, ठीक है ना। उसके साथ आ गया हमारा एंटी ऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करता है फ्री रेडिकल्स को, और जहां पे अगर ज्वाइंट में स्वेलिंग्स है उसको निकाल देता है, और हमारा मूड को बूस्टअप करके रखता है, मूड को बूस्टअप करता है। मूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, अगर उसको बनाएंगे नहीं तो सब बेकार चीज है। तो ये चीज करता है हमारा जायफल। उसके बाद आता है हमारा, ठीक है ना, मुकुना, ठीक है ना, पुरीस, जिसको बोला जाता है कापी कच्चू, ठीक है ना,
कौंच का बीज कहा जाता है, कौंच का बीज जिसको बोलते हैं काफी ठीक है ना, कच्चू किच्चू बोला जाता है, काफी किच्चू ठीक है ना, इसका ऐड किया गया है। ये है इम्प्रूव मेल सेक्सुअल बिहेवियर, मेल सेक्सुअल बिहेवियर को ये जो है इम्प्रूव करता है, प्रोटेक्ट करता है इरेक्टाइल टिश्यू फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है ना, जहां पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर जो टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है, इंक्रीज करता है प्लाज्मा, हमारे बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा सेल होता है उसको इंक्रीज करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है हमारे बॉडी के स्टेमिना को, और रीस्टोर करता है सेक्सुअल पावर को, सेक्सुअल पावर जो होता है उसको रीस्टोर करके रखता है बॉडी के अंदर, इंप्रूव करता है ब्रेन हेल्थ को और मोटर नर्व फंक्शन को एक्टिवेट करता है, मोटर न्यूरॉन सिस्टम, मोटर नर्व फंक्शन, इसको सेंट्रल नर्व सिस्टम जो बोला जाता है हमारा बॉडी के अंदर, जहां पे 15 नर्व सिस्टम होते हैं इंपॉर्टेंट जो दिमाग से ताल्लुक होते हैं, मोटर नर्व, इसको ये बहुत ही अच्छा एक्टिव और जिंदा करके रखता है, स्ट्रांग करके रखता है, ये होता है हमारा ठीक है ना कपी किच्छू का फायदा, जिसको कौंच का बीज कहते हैं। अब आ गया हमारा ठीक है ना क्लोरोफिटम, ठीक है ना ट्यूबरोसम, जिसको बोला जाता है सफेद मुसली, इसके अंदर सफेद मुसली 60 mg एक्सट्रैक्ट किया गया है, ठीक है ना, आप देखो दो चीज लिया गया, ब्लैक मुसली भी लिया गया है जिसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं और सफेद मुसली भी लिया गया है, तो कहते हैं कि सफेद मुसली क्या कहता है, इंक्रीज इन मेल पोटेंसी, इंक्रीज इन मेल पोटेंसी, प्री मैच्योर इरेक्जुलेशन, ठीक है ना, और कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया जिसको बोलते हैं स्पर्म डिसऑर्डर, जिसमें स्पर्म की कमी होती है उसको ऐड किया गया है। उसके बाद आता है इंक्रीज इन सेक्सुअल डिजायर, इंक्रीज स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म काउंट, और स्ट्रेस लेवल को कम करता है, यूरिनरी ट्रैंक्स इंफेक्शन को कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी ये बना के रखने की ताकत रखता है, जिसको बोलते हैं सफेद मुसली। और 19th जो है ऐड किया गया जिसको बोलते हैं दालचीनी, ठीक है ना, ठीक है ना, बोलते हैं ना सिनेमन को दालचीनी कहते हैं, कहते हैं रिड्यूस इन ब्लड शुगर, हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, हमारे रिमूव हार्मफुल LDL जो डेंजर है, LDL है ठीक है ना, लो डेंसिटी बोलते ना लिपोप्रोटीन, जब मैंने कल बताया था इसके ऊपर उसको, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में हेर्निया को भी कंट्रोल करता है, हेर्निया डिजीज, हेर्निया का अगर इश्यू है बॉडी के अंदर उसको कंट्रोल करता है, किडनी के डिसऑर्डर में क्रैम्प्स के अंदर रिमूव हाई बीपी को रिमूव करता है, बैलेंस हार्मोन्स और इंक्रीज ब्लड फ्लो और मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की ताकत है। अब 20 जो लिया गया है वो है हमारा इलायची, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं इलिट्रिया, ठीक है ना, कार्डियम, इसको इलायची कहते हैं, कहते हैं कि ये प्रमोट करता है सेक्सुअल डिजायर इन मेन, सेक्सुअल डिजायर इन मेन को ये डेवलप करता है, इंक्रीज सेक्सुअल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस, इंक्रीज सेक्सुअल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस, इंक्रीज ब्लड फ्लो सर्कुलेशन, और फीवर को कंट्रोल करता है, कोल्ड को कंट्रोल करता है, कफ को कंट्रोल करता है, सोर को कंट्रोल करता है, हेडेक को कंट्रोल करता है, और हार्ट डिसऑर्डर को कंट्रोल करता है। देखो इलायची खाने से कितने कितने फायदे हैं, लोगों को मालूम नहीं है, भाई इलायची खाता नहीं है, गुटखा खाता है, मुंह में डालेगा गुटखा खाएगा, भाई इलायची खाना, खाने के बाद कितना फायदा है, देखो बॉडी में ब्लड के फ्लो को बढ़ा दिया, सर्कुलेशन कर दिया, ठीक है ना, इंक्रीज कर दिया सेक्सुअल हेल्थ और परफॉर्मेंस में, फीवर को कंट्रोल करा, कोल्ड को कंट्रोल करा, कफ को कंट्रोल करा, सोर थ्रोट को कंट्रोल करा, हेडेक को कंट्रोल करा, ठीक है ना, हार्ट डिसऑर्डर में कंट्रोल करा, डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करा, और मेंटली हेल्थ को भी बना के रखा, ये है हमारा ब्यूटीफुल इलायची। उसके बाद इसके अंदर लिया गया है ठीक है ना, जिसको बोलते हैं सिजिनगम, ठीक है ना, अरमोटियम, जिसको 25 mg लिया है, जिसको लवंग बोलते हैं, लवंग का फायदा क्लोज, इंक्रीज द इरेक्शंस, इंक्रीज द इरेक्शन सेक्सुअल परफॉर्मेंस, और प्री मैच्योर इरेक्जुलेशंस, एंटी इनफर्टिलिटी एक्टिविटी, रिमूव गैसेस, और ठीक है ना, कहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कहते डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी जो होती है उसको भी कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी के अंदर ठीक है ना
कहते हैं कि ये रेड्यूस आमा, मतलब जो पॉइजन होता है, टॉक्सिक्स लेवल जिसको बोलते हैं उसको निकाल देता है। हमारे बॉडी के अंदर जो डिपॉजिट्स होते हैं ना, डिपॉजिट्स, ठीक है ना, वो छत्ता छत्ता जो भी कुछ भी बोल सकते हैं, कचरा जो भी होता है, अनवांटेड चीज जो वेस्ट होता है उसको भी निकाल देता है। उसके साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट्स को भी निकाल देता है, इतना फायदा है हमारा लवंग का। इसलिए कभी कभी दालचीनी मुंह में रखना थोड़ा सा टुकड़ा, कभी इलायची, कभी लवंग को रख के चूसा करो, उससे बहुत फायदा होता है। उसके बाद इसके अंदर 22 जो लिया गया है हनी, शहद 3000 mg को एक्सट्रैक्ट किया गया है इसके अंदर, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिच इन विटामिन बी और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा फायदा करता है शहद। शहद एक एक चम्मच जो है दूध में मिला के पियो। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, फाइटर्स होते हैं, जो हीमैन होते हैं, सुपरमैन होते हैं, वो लोग दूध के अंदर एक चम्मच, ठीक है ना, शहद को मिला के पिया करते थे। कुछ लोग तो घी को भी मिला के पीते हैं दूध के अंदर। तो ये सब चीज का फायदा उठाना चाहिए हम लोगों को शहद का, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं कि ये फ्रुक्टोस कंटेंट्स एसिडिक, ठीक है ना, बोलते हैं कंटेंट्स एड स्टेमिना, क्या बोला जाता है इसको, फ्रुक्टोस, मैंने बताया था ना, मीठा है लेकिन फ्रुक्टोस है, ठीक है ना। तो ये है फ्रुक्टोज का है। उसके बाद कहते हैं रिलीव एनर्जी, ठीक है ना, हमारे बॉडी के अंदर रिलीज एनर्जी। उसके बाद आता है इंक्रीज नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड को इंक्रीज करता है, जहाँ पे हमारे बॉडी की इंटायर सिस्टम को एनर्जी मिलता है। इंक्रीज पोटेंसी इन मैन, नॉट ओनली मैन, फीमेल में भी एनर्जी को और उसकी पोटेंसी को डेवलप करता है। इम्प्रूव इरेक्टुलेशन स्ट्रेंथ मोर देन, ठीक है ना, कहते हैं कि 10,000 कॉम्पैक्ट पावर जो है इसके अंदर मिलता है, इसको बोलते हैं आर्म्ड मिलिट्री पावर। 10,000 पावर जो है शहद से मिलता है, 10,000, ये रिसर्च बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये रिसर्च बता रहा हूं। फोन आ गया था, ठीक है ना, कितना लिखा है 10,000 कॉम्बैक्ट, ओके ना, कॉम्बैक्ट पावर मतलब आर्म्ड मिलिट्री पावर जितना होता है ना, 10,000 लोगों का सैनिक का पावर, उतना पावर जो है शहद देता है एक इंसान को। ये है हमारा सैचेस 22 जो ऐड किया गया। आप सोचो कि आपको कैसे लेना चाहिए, समझ में आ गया। शाम में 4 बजे, ठीक है ना, पानी में डालिए शाम में 4 बजे, और वो 4 बजे पानी में डालने से पहले हमेशा रखना, पहले कप में डालो, ग्लास में डालो, उसमें खाली 70 ml ही पानी डालना, वो भी आप डालो ठंडा पानी, ठंडा पानी मतलब मटके का पानी डालो जो सबसे शहद के लिए अच्छा होता है, ठीक है ना, वो पानी जो है डालो ठंडा और उसको मिलाओ और गुड़गुड़ पी जाओ। उसके बाद एक आधा घंटा घंटे के बाद जो है आप कितना भी पानी पियो, आपकी मर्जी है, ये होता है लेने का तरीका, ठीक है ना। 60 और 70, मैं तो बोलूंगा भाई 70 ml में ले लो, सबसे बेस्ट है, लो और मजे लो, इसका फायदा उठाओ, जो हमारा सैचेस है। अब कैप्सूल का मजा क्या है वो आपको बताता हूँ, जिसको बोलते हैं एल आर्जिनिन, ठीक है ना, एल आर्जिनिन सबसे पहला जो कैप्सूल के अंदर लिया गया है 300 mg, ठीक है ना। ये केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स, इस केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स किसका काल, जिसको बोलते हैं एमोनियो एसिड्स, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एल आर्जिनिन। हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल ब्लॉक्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो बोला जाता है बॉडी का, केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक जिसको बोलते हैं एमोनो एसिड्स, उसको ये मेंटेन करता है। और साथ ही साथ हमारे बॉडी के अंदर ये नहीं, किस में पाया जाता है, ठीक है ना, ये एल आर्जिनिक सबसे ज्यादा, कहते हैं कि नट्स, सीड्स, मिल्क, ओके ना, उसके बाद बोलते हैं योगर्ट, चीज एंड होल ग्रेन्स के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है ना। तो नट से, सीड से, मिल्क से, ठीक है ना, उसके बाद होता है योगर्ट, चीज एंड होल ग्रेन्स, उसके अंदर से ये एमोनो एसिड्स को जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो क्या है, प्रोटीन है, मैंने बताया था ना, प्रोटीन कन्वर्टेड टू एमोनो एसिड्स, फैट कंटेंट टू फैटी एसिड्स। अब समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट मैंने क्या क्या बोला था। तो हमको क्या चीज बदलना है, डाइट बदलना है तो आप बीमारी से दूर हो जाओगे। उसके बाद होता है ये डिक्रीज करता है हाई बीपी को, ठीक है ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस को ये बैलेंस करता है, बिल्डिंग प्रोटीन बॉडी के अंदर, और इट टर्न टू नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है। इम्प्रूव करता है मेल फर्टिलिटी को, इम्प्रूव करता है किडनी फंक्शन को,
इतना ब्यूटीफुल है हमारा एल आर्जिनिक जो कैप्सूल के अंदर ऐड किया गया। उसके बाद आता है हमारा, ठीक है ना, जो ऐड किया गया है, जो हमारा सैचेस के अंदर भी ऐड किया गया है उस सीड्स को, ठीक है ना, सेम टू सेम जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, मारा डीसो प्रेग्रीन, ये हमारा ऑलरेडी ऐड किया गया है सीड्स के अंदर। तो जो हमारा सैचेस के अंदर जो ऐड किया गया है वही चीज जो इसके अंदर ऐड किया गया है। तो इसके बारे में तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता दिया। आप इसको थोड़ा सा ध्यान कर लो और जो मैंने बताया उसको थोड़ा सा स्टडी करो, समझ में आ जाएगा पूरा क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद इसके अंदर ऐड किया गया है, ठीक है ना, मुकुना, ठीक है ना, मुकुना जो मैंने ऑलरेडी बताया जिसको बोलते हैं कॉन्च का बीच, 50 mg इसके अंदर ऐड किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद आता है कपी कौचू जो ऐड किया गया है, ठीक है ना। कुछ जो है हमारे सैचेस के जो है हमारे कैप्सूल के अंदर ऐड किया गया है, कभी कभी बूस्टअप करने के लिए बहुत मजेदार होता है। उसके बाद इसके अंदर लिया गया है, ठीक है ना, ऑर्चिस, ठीक है ना, लेटीफोलिया, ऑर्चिस लेटीफोलिया जिसको बोलते हैं सलभ मिश्री, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ठीक है ना, शालम मिश्री, सैलम मिश्री, ठीक है ना, सलभ मिश्री, इसको ऐड किया गया है। मिश्री तो आप देखे होंगे मुसलमानों की शादी और उनके अंदर मिश्री को ही बांटा जाता है और दूल्हे को मिश्री खिलाया जाता है क्योंकि बेचारा जो है मेहनत करने जाएगा ना, इसलिए क्या करते हैं जितने भी लोग हैं लोग उसके मुंह में मिश्री ठोसते रहते हैं कि भाई खा खा मुबारक हो बोल के उसको मिश्री घुसड़ घुसड़ के खिलाते रहते हैं। बेचारा खा खा के बेजार होके फिर साइड में थूकते हुए चला जाता है, ठीक है ना। तो सोचो मिश्री के फायदे कितने हैं। तो बताते हैं कि इंक्रीज इन मेल फर्टिलिटी By increasing the sperm count and mortality, increasing male fertility by increasing the sperm count and mortality. इतना beautiful मिश्री है जो हम कभी कभी खाते नहीं है। मिश्री खाओ, बॉडी ठंडा रहेगा, बॉडी में गर्मी है, भाप निकल रहा है, मिश्री खाओ, पानी एक चम्मच मिश्री डालो, कोई शुगर नहीं होता है वो, ठीक है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मिश्री, शुगर चीज नहीं होती है वो, ठीक है ना। उसको आप पानी में डालो, पियो, बॉडी ठंडा रहेगा, बॉडी ठंडा रहना चाहिए, ठीक है ना। रिमो नाइट फॉल्स लीकेज जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। इम्प्रूव टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, इंक्रीज लिबिडो, बेटर इरेक्शंस, टीबी के सिम्टम्स को निकाल देता है। अगर किसी को सर्दी बुखार टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, उसको निकाल के फेंक देता है अगर इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है ना, मिश्री को। उसके बाद करता है बूस्ट यूर एनर्जी एंड इम्प्रूव यूर मेमोरी, हमारी मेमोरी को भी बढ़ाता है, हमारी एनर्जी को बढ़ाता है, कितना अच्छा है, ब्यूटीफुल। उसके बाद पांचवा लिया गया है जिसको बोलते हैं मेथी, देखो मेथी का कितना सीक्रेट्स है। तो मेथी का इसके अंदर एक्सट्रैक्ट किया गया है, कहते हैं इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल, सेक्सुअल डिजायर को यह डेवलप करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज करता है, इंप्रूव सेक्सुअल फंक्शंस, मेल लिबिडो, लिबिडो मतलब सेक्सुअल डिजायर। अब सब सोचेंगे भाई डॉक्टर साहब जो है बहुत जगह पे मेल लिबिडो 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 बोले, लिबिडो क्या है भाई, सेक्सुअल डिजायर, लिबिडो मतलब सेक्सुअल डिजायर, ओके ना, एक्टिव मूड और इंक्रीज स्पर्म काउंट, ये होता है हमारा मेथी का फायदा। उसके बाद इसके अंदर लिया गया है सेम जो सैचेस के अंदर लिया गया है मोरिंगा ऑलिफेरी का फ्रूट का एक्सट्रैक्ट लिया गया है। उसके बाद इसके अंदर लिया गया सातवा मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम लिया गया 25 mg, ठीक है ना, ये हमारे बॉडी के अंदर क्या काम करता है। तो बोलते हैं मैग्नीशियम जो है मेड फ्रॉम सी वाटर, ठीक है ना, या सी वाटर नमक, ठीक है ना, सॉल्ट, प्लांट के अंदर भी सॉल्ट रहता है, उसके अंदर से इसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, जो हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस के जैसा काम करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के जैसा काम करता है मैग्नीशियम। गेटिंग गुड स्लीप, नींद भी अच्छी होनी चाहिए, अगर नींद बेकार है तो हर चीज बेकार है, उसकी जिंदगी बेकार है, तो नींद को बहुत अच्छा बना के रखता है। सेक्सुअल डिजायर, ठीक है, उसको बना के रखता है, कोल्ड को निकाल देता है, बूस्ट सेक्सुअल लाइफ, हमारे सेक्सुअल लाइफ को बूस्ट अप करता है, इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, ये हो गया हमारा फायदा। उसके बाद आता है ठीक है ना कोएंजाइम Q10, कोएंजाइम Q10 इसके अंदर 20 mg को लिया गया है, हार्ट फेल्यूर में बहुत ज्यादा फायदा होता है, हार्ट इश्यूज के अंदर, हार्ट फेल्यूर के अंदर, चेस्ट पेन के अंदर, और हाई बीपी के अंदर, माइग्रेन के अंदर, पार्किंसन डिजीज के अंदर, और क्यू को Q10 स्टोर होता है हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन के अंदर। Q10
QOQ10 जो स्टोर होता है ना बॉडी के अंदर वाइटल ऑर्गन में स्टोर होता है, जैसे हार्ट, लंग्स और लिवर, इसके अंदर ये जाके स्टोर होते हैं और रिड्यूस करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, इम्प्रूव करता है फर्टिलिटी को, मोर्टिलिटी आदमी के अंदर बढ़ाता है और एनर्जी देता है सेल को, सेल को बहुत एनर्जी देता रहता है QOQ10, और कैंसर को प्रिवेंटी के रूप में काम करता है, प्रिवेंटिव फॉर कैंसर, बॉडी में कब कैसे आ जाए नहीं मालूम है लेकिन उसको खत्म कर देता है, ये होता है हमारा QOQ10 का पावर। उसके बाद आता है हमारा पीपर लघु मन, जिसको पिपाली बोलते हैं, ठीक है ना, पिपाली, ये होता है हमारे इरेक्टाइल डिसफंक्शन को फायदा करता है, स्टिमुलेट करता है हमारे इरेक्टेशन प्रोसेस को, अस्थमा में फायदा होता है, और ये स्प्लीन, ठीक है ना, स्प्लीन जिसको बोलते हैं स्प्लीन बूस्टर बोल सकते हैं, स्प्लीन को बूस्टअप करता है, स्प्लीन को बूस्ट करता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा हार्मोन्स के अंदर, ठीक है ना, और स्प्लीन जो है हमारा बॉडी का, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ब्रोंकाइटिस में फायदा करता है, ये हो गया हमारा पीपर लॉन्ग। उसके बाद जिंक को ऐड किया गया इसके अंदर, जिंक 500 mg लिया गया है, कहते हैं कि डेवलप मेल सेक्स ऑर्गन, डेवलप स्पर्म काउंट, प्रोड्यूस स्मेल सेंस, हमारे बॉडी के अंदर जो स्मेल चला जाता है ना, कोविड से बोला ना स्मेल चला गया है, चला गया, बुखार से भी चला जाता है, उसको ये प्रोड्यूस करने की ताकत रखता है जिंक, इसलिए जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक फाउंड, ठीक है ना, जिंक फाउंड इन सेल थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी, जिंक फाउंड इन द सेल, ओके ना, थ्रू आउट द बॉडी, हमेशा याद रखना ये जिंक कहाँ रहता है, हेल्प इन इम्यून सिस्टम, फाइट ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरस, जिंक जो है इतना बॉडी को बूस्टअप करता है मिलिट्री फोर्स के जैसा कि वो हमारे बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करके फेंक देता है, ये होता है जिंक का पावर। जिंक टू मेक, ठीक है ना, टू मेक प्रोटीन एंड डीएनए, जिंक बनाता है हमारे बॉडी में प्रोटीन को और डीएनए के स्ट्रक्चर को बना के रखता है, जिंदा रखता है, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म फंक्शन और रिड्यूस करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और किस में ज्यादा पाया जाता है, जिंक बीन्स, नट्स, होल ग्राम में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिंक वेजिटेबल्स में ज्यादा पाया, जिसमें कहते हैं कि सबसे ज्यादा कोथमीर में पाया जाता है जिंक। तो हम लोग क्या करते हैं, कोथमीर को काटते हैं, पानी में डालते हैं, धोते हैं, तो जिंक खत्म हो गया। पहले भाई पहले कोथमीर को धो बाद में काटो, लोग क्या करते हैं कोथमीर को काटते पानी में धोते हैं, जिंक खत्म हो गया। अब से क्या करना, कोथमीर को जो है पानी में धोना बाद में काटना, तब क्या हो जाएगा आपका जिंक बच जाएगा, नहीं तो खत्म। उसके बाद लिया गया, ठीक है ना, इसके अंदर जिसको बोलते हैं पाई, ठीक है ना, पेरिडोक्सिन, ठीक है ना, पेरिडोक्सिन, ये होता है हमारा B6, विटामिन B6, ये किस में पाया जाता है, ठीक है ना, ये पाया जाता है अवोकाडो, होल ग्रेन, बनानास और नट्स, इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसको बोलते हैं पेरिडोक्सिन, जिसको बोलते हैं विटामिन B6। इंप्रूव करता है हमारे मूड को और रिड्यूस करता है डिप्रेशन को, ब्रेन हेल्थ को, हेमोग्लोबिन को प्रोडक्शन करता है हमारे बॉडी में, हेमोग्लोबिन को बहुत अच्छा बना के रखता है, रिड्यूस करता है हार्ट डिजीज को और आंखों की रोशनी को ताकत देने की ताकत रखता है। ये हो गया हमारा 11 का 11, ठीक है ना, जड़ी बूटियां जो कैप्सूल के अंदर ऐड किया गया है, और हमारे 22 जड़ी बूटियां जो है इसके अंदर ऐड किया गया है, ठीक है ना, 22 सैचेस के अंदर। तो सोचो हमारा फर्टाइल का फंक्शन कितना ब्यूटीफुल रहेगा, इतना ब्यूटीफुल डिजाइन किया गया है डॉक्टर चल्ला ने हमारे लिए, तो मैं सोचता हूँ कि भाई इससे पावरफुल तो और कोई चीज नहीं होगा, जो कैप्सूल और इसके अंदर जो बहुत ही जबरदस्त बनाया गया है। ये था आज का हमारा बुलसब, थैंक यू, जय हिंद, जय विविडोस। थैंक यू सर। और मल्लिकार्जुन जी बैक कर लो। थैंक यू सर। मैं तो